चुनावी मैदान पर निरंतरता की बात ज्यादातर नहीं होती। ऐसा इसलिए भी क्योंकि नेताओं के भविष्य का फैसला जनता के हाथ में होता है। ये जनता तय करती है कि आने वाले 5 साल के लिए उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा। शायद यही कारण है कि क्षेत्र के विधायक या सांसद कई बार बदलते रहते हैं। लेकिन बहुत सारी सीटें ऐसी भी होती हैं जिन पर जनता एक ही नेता को बार बार पसंद करती है। उत्तराखंड में भी ऐसी कई विधानसभा सीट हैं। बहरहाल उत्तराखंड में चुनावी घमासान शुरू हो चुका है, नया साल भी आ गया है। सभी राजनीतिक दलों द्वारा लगातार मेहनत की जा रही है। इसी बीच हम एक बार फिर से आपके बीच वोटिंग उत्तराखंड का नया एपिसोड लेकर आए हैं। आज हम मंगलौर विधानसभा सीट की बात करने वाले हैं। इस विधानसभा सीट से 4 चुनावों में से 3 बार एक ही नेता को आवाम ने विधायक के तौर पर चुना है। वर्तमान में कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ही वे शख्स हैं जो मंगलौर सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। 4 में से 1 बार जब काजी निजामुद्दीन चुनाव नहीं जीते तब भी जीत का अंतर नाम मात्र रहा था। ये दर्शाता है कि मंगलौर की जनता काजी निजामुद्दीन को किस हद तक पसंद करती है। निजामुद्दीन बने मंगलौर के विधायक। राज्य गठन के बाद 2002 में सबसे पहले विधानसभा चुनाव आयोजित किए गए। इन चुनावों में मंगलौर विधानसभा सीट से 12 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया, जिनकी चुनावी किस्मत का फैसला कुल 52,970 मतदाताओं ने किया। मंगलौर की जनता ने बहुजन समाज पार्टी के निजामुद्दीन को क्षेत्र का सबसे पहला विधायक बनाया। निजामुद्दीन को 21,155 वोट मिले और उन्होंने 14,561 वोट लाने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी सरवत करीम को 6594 वोटों के माध्यम से हराया। इन चुनावों में तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नागेंद्र कुमार रहे, जिन्हें 8,298 वोट प्राप्त हुए। साल 2007 में दोबारा चुनाव जीते काजी निजामुद्दीन। साल 2007 में चुनाव हुए और एक बार फिर मंगलौर की जनता ने काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को अच्छे खासे मार्जिन से जीत दिलाई। इस बार मंगलौर के 69,252 वोटरों ने अपनी वोटिंग पावर का इस्तेमाल करके 9 प्रत्याशियों के चुनावी करियर का फैसला किया। इस बार फिर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को 3,393 वोटों से जीत हासिल हुई। उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी चौधरी कुलबीर सिंह को हराया। बता दें, जहां काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को 25,559 वोट मिले तो वहीं आरएलडी के चौधरी कुलवीर सिंह को 22,166 वोटों से संतोष करना पड़ा, जबकि 18,629 वोट लाने वाले कांग्रेस के सरवत करीम अंसारी तीसरे नंबर पर रहे। 2012 चुनाव में हैट्रिक लगाने से चूके निजामुद्दीन। साल 2012 के चुनाव ऐसे पहले चुनाव थे जहाँ काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को हार नसीब हुई। उन्हें बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सरवत करीम अंसारी ने हैट्रिक लगाने से रोक लिया। दरअसल इस चुनाव में काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को कांग्रेस से टिकट मिला था, जबकि सरवत करीम अंसारी बसपा से चुनाव लड़ रहे थे। मंगलौर के कुल 72,597 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इन चुनाव में कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान पर अपनी किस्मत आजमाने उतरे थे। बसपा के सरवत करीम अंसारी ने 24,706 वोट लाकर कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को 698 वोटों के छोटे से मार्जिन से हराया। काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को 24,008 वोट नसीब हुए थे। तीसरे नंबर पर रहे राष्ट्रीय लोकदल के गौरव चौधरी को 19,354 वोटों से संतोष करना पड़ा। साल 2017 में कांग्रेस के टिकट पर MLA बने निजामुद्दीन। साल 2017 के चुनाव में एक बार फिर मंगलौर की जनता ने अपने पुराने नेता को विधायक बनाया। जी हाँ, इस बार कांग्रेस के टिकट से काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने चुनाव लड़ा भी और जीता भी। उन्होंने मंगलौर की जनता का भरोसा जीतकर 2,668 वोटों के मार्जिन से अपने प्रतिद्वंदी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सरवत करीम अंसारी को हरा दिया। कुल 81,191 वोटरों ने 8 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का फैसला किया था। इन चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन को 31,352 वोट नसीब हुए, जबकि बसपा के प्रत्याशी सरवत करीम अंसारी को 28,684 वोट मिले। तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के ऋषिपाल बालियान रहे, जिन्हें 16,964 वोट मिले।